तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय दिखाऊंगा। और ये हिंदुस्तान होटल है जो आपको अभी दिख रहा है यहाँ पे मेरे सामने। और ये हीरो की बाइक की एजेंसी है। अब जिन लोगों को नहीं पता फरुखाबाद में जियो का सर्विस सेंटर कहाँ पे है, तो ये है जियो का सर्विस सेंटर। मतलब जो भी कस्टमर सपोर्ट यहीं पर हो जाएगा आपका। और ये कहाँ पर है तो आप लोग देख सकते हैं, ये आवास विकास का तिराहा है। और इससे थोड़ा सा पहले, मतलब 20 कदम पहले सिटी हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में है ना, तो यहीं पे सिटी हॉस्पिटल है। तो आज हम लोग जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय है ना, KVS जिसे जानते हैं। दरअसल वहाँ पर थोड़ा सा काम है जो वहीं पे चल के बताएंगे और देखेंगे अंदर से किस तरह का दिखता है हमारा केंद्रीय विद्यालय। तो अभी हम लोग केंद्रीय विद्यालय पहुँच चुके हैं, लेकिन मैंने आगे देखा एक कन्या और एक आंटी जी फोटो शॉट कर रहे हैं, तो वीडियो बंद करते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, काफ़ी हरा भरा है और काफ़ी बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। तो केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर एडमिशन इतनी आसानी से तो होते नहीं हैं। और मेरा यहाँ आने का रीज़न क्या था वो बता दूँ, कि यहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग होनी है एज ए टीचर। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन वो भी पेंडिंग पे रहेगी कॉज ऑफ COVID-19। तो जब ये कोरोना ख़त्म होगा तो हम लोगों की ज्वाइनिंग मिल सकती है, मतलब हमें ज्वाइनिंग मिल सकती है। और नहीं ख़त्म हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड बहुत बड़ा है, मेन रोड तक गया हुआ है। केंद्रीय विद्यालय तुम लोग गए ही नहीं होगे बहुत से लोग। और इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में भी यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि क्लासेस नहीं लग रहे हैं, सब ऑनलाइन होता है। ये बहुत बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। इस साइड में साइकिल स्टैंड है और ये सामने आपको गेट दिखेगा। तो ये हमारा केंद्रीय विद्यालय का एक लुक है। मैंने अंदर से इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अंदर वीडियो बनाने की जगह नहीं बन रही है, क्योंकि गली ऐसी है पूरे अंदर तो बन नहीं पता। यहाँ हमारे मित्र खड़े हुए हैं। हाँ तो बैठो भाई, आप क्यों नाराज हैं इतना? नहीं हुआ अंदर, नाराज है काहे यार, बेरोजगार बैठे हैं। तो दरअसल बात ये है कि ये केंद्रीय विद्यालय है और अभी हम लोग इसके अंदर गए थे। तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल से एडमिशन हो पाते हैं बच्चों के। तो इनके लड़के का एडमिशन होना था और वो किसी कारण, तो इनका मूड खराब हो गया। अब ये कह रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को इसमें एडमिशन कराएं। पूरी जुगाड़ लगाने पर लगे हुए हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये हालत है। अंदर हम गए थे जो आंटी जी वो कह रही थी कि मेरा करवा दो, ये करा दो, तो इसमें बहुत समस्या है। तो यहीं पे ये क्या, ये दरअसल अभी ये दोस्त की हमारी शादी नहीं हुई है, मजाक कर रहे थे। देखो मैंने फरुखाबाद के बहुत से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, और चाहो तो देख लो प्ले लिस्ट में जाके। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर चाहिए हो, कहीं और का वीडियो चाहिए हो कि वहाँ का बनाना है, तो बता देना, सामने ग्रेट ब्रिटेन भी है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।